अंधभक्त का मतलब होता है कि जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए उसे अंधभक्त कहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स जर्नी से स्टार्ट करते हैं आज का ये अंधभक्त है। हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मोदी मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है? भगवान है, भगवान वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। मतलब बाप से बड़ा मोदी है जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। ऐसी कपूती संतान पैदा करी सूबेदार साहब, मार दो अब तो। उतर चल, उतर, मार दो, चल, मार दो सारे को। CA है क्या तो आप वो कुछ समझाएंगे कि CA फुल फॉर्म क्या है? एज ए टू सपोर्टेड ऑफ इंडियन अदर अदर कल्चर कल्चर who is the religion of the Indian, who is the religious of the Indian country. So CAA as a 100% as a good act who accepted of my religious of India. Full form kya CAA? प्याज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं जी? 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना हम लोग को पसंद है। दो रात भूखा सोना पड़े, बच्चों बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक ही करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो सर झेलने के तैयार है। और जहाँ हम लोग झेल ही रहे हैं तो कब तक झेलेंगे? हमारे मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। हाँ, दे दिया, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मोदी अवतार है ये। अच्छा, विष्णु का या कृष्ण का? यो महात्मा बुद्ध का अवतार है ये। महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध की नहीं निकलती आ रही इसकी। मोदी को कितने नंबर दोगे? 100% मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू। अरे गाना, आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। बाबा जी की मूर्ति, बाबा जी आई लव यू। अगर मोदी जी ने सोशल मीडिया छोड़ा तो क्या आप भी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो करेंगे हम भी वही करेंगे। अच्छा। बिल्कुल। लोगों का कहना है कि ये अंधभक्ति है ऐसे पीछे पीछे छोड़ना। अंधभक्ति भक्ति नहीं है वो, कुछ नई रणनीति में जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी वैसे ही वो कुछ और करेंगे। अच्छा, चमत्कार करेंगे, चमत्कार करने वाले हैं वो। अबे साले जो माफ करना, मैं जो पुलिस पुलिस से पूछा मैं जो उधर निकल जाता अन्ना दूं। हम लोग आए थे ये अनुसी जो है क्या बताइए, इस चीज के समर्थन में आए थे? इस समर्थन में आए थे जो मुस्लिम लोग जुलूस निकाले हैं उस लोग को समझाने के कि आप लोग के लिए कोई कानून नहीं है बना हुआ। कौन सा कानून? MSC जो बना हुआ कानून, MSC जो बना हुआ कानून मोदी जी जो लागू किए हैं। क्या लागू किए हैं? नवीनता कानून जो है किसके तहत कानून लागू किया गया है? किस पर्पस से आए थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग आए थे इस पर्पस से जागरूकता दिखाने के लिए जो वो लोग निकाले आक्रोश जुलूस, वो लोग हम लोग शांतिपूर्ण। NRC और CA के बारे में कुछ जानकारी है आप लोग को? हम लोग को जानकारी तो नहीं है। नहीं है हम लोग को जानकारी तो नहीं है। हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त हैं, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त हैं, हमारे दिल में। बीजेपी VLA2 वेस्ट पंजाब न्यू दिल्ली मंडल इज इन इंडिया एंड मोदी फॉर सपोर्ट। एशिया भी तो बोलो, अर्थ भी तो बोलो, ईस्ट एशिया नरेंद्र मोदी इज लॉन्ग लाइफ इज लार्जेस्ट पार्टी मिल्की वे, मिल्की वे इन इंडिया। आर यू ऑल्सो ब्लाइंड इन फेथ? ब्लाइंड इज
ही इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कमिंग वेलकम बैक। पच्चीस कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है, 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है। लेकिन साहब हमें समझ में नहीं आता है कि उसको आप गालियां देते हो, नीच कहते हो आप उसको, अरे नहीं, नहीं। आप उसको जो है मौत का सौदागर बोल देते हो, अरे नहीं यार। आप उसको जो है आप क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो, मिलेगा यार। आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को, कितना बोलते हो, अरे काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार। अरे उनको समझ मिलेगा, किसके लिए कर रहा है? अरे मोदी आएगा, अपने देश के लिए कर रहा है वो, उसको समझ मिलेगा। अरे हमारे लिए, हमें अपने लिए क्या कर रहा है? उसका कौन सा परिवार है यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सब्र का फल मीठा होता भाई। माने चुप रह। सर अब क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते हो और करते जा रहे हैं? ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले। यहाँ जमीर बिकता है, यहाँ इंसाफ बिकता है, यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति उसी दिन जागती है जब 15 अगस्त होता है, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीडम जो है ना हमें फ्री में मिला था। तो मैं कहूंगी मोदी जी आप अब बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करिए प्लीज मोदी जी, वी डोंट डिजर्व यू। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कहते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की मेरी जुआन आ रही है, मैं ये पढ़ता लिखता हूँ, देश का जीडीपी, देश का आज जो अर्थ के जो अवस्था है। प्रधानमंत्री कौन था? आए? पहला प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू था। नेहरू था पहला प्रधानमंत्री। दोबारा पढ़ गया। कौन था पहला प्रधानमंत्री? पहला प्रधानमंत्री कौन था? आप बताए ना सर, कौन था? अरे प्रधान दिया सर, किसे? कौन था? नेहरू था। आप बताइए कौन था? 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था? 2 अक्टूबर कुछ 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था? 2 अक्टूबर क्या कुछ भांग का गांजा पिए हो गया कुछ? चलिए सुनाइए। देखिए मैं देखिए नहीं सुनाइए। आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे। आप गाइए। संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, यही है सियासत की असली तस्वीर, हमको समझना चाहिए। जो व्यक्ति विशेष के ऊपर ही जिए, व्यक्ति विशेष की तारीफ करे, उसे अंधभक्त कहते हैं। जो उनके गुरुदेव जो कह दे, वो कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, उसे अंधभक्त कहते हैं।